एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप ऑल यू आर गुड. सो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. इससे पहले जो लेसन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कि कंज्यूमर्स जब एक सिंगल कमोडिटी परचेज करते हैं तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करते हैं और हम बोलते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. तो हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये सब बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स थे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थी. और कंडीशन क्या थी कि जो हमारा MUX है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी कॉमोडिटी की, मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी और प्राइस जो है दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है. आज हम डिस्कस करेंगे जब वो एक से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ को परचेज करते हैं, जैसे कि दो कॉमोडिटीज़ को लेकर चलेंगे, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जब हम कहेंगे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं. ठीक है, तो जो दो कंडीशंस होती हैं जो नेसेसरी है इसको फुलफिल करने के लिए, कि जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कर रहा है. तो वो दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस जो है दोनों गुड्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. मतलब कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें गेन होगी इस गुड्स से और उसका जो प्राइस हमने पे किया है, मस्ट उनका जो रेशियो होगा 1:1, दैट इज़ इक्वल होना चाहिए उसके टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट अगर कंज्यूमर एक सिंगल कॉमोडिटी ले से गुड एक्स परचेज करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, जब MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल होगा हमारा MUM, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के. सेकेंड सिमिलरली यही अगर वो गुड वाई सेकेंड कॉमोडिटी परचेज करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेन MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की. सो जब हम इन दोनों कंडीशन को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल टू द MUM. मतलब कि जब रेशियो जो है दोनों गुड्स का वो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है मस्ट फॉल करे जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है. अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाती है. तो ये दोनों कंडीशन क्या है, नेसेसरी है इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करने के लिए, कि जब ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, प्रॉपरली फुलफिल हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर रहा है. ठीक है, अब एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, सपोज करो टोटल जो इनकम थी कंज्यूमर की हमने मान लिया 5 रुपये थी, से 5 रुपीज़ जिससे वो दोनों गुड्स को परचेज करना चाहता है, उस पर स्पेंड करना चाहता है एक्स पे भी और वाई पे भी, और दोनों गुड्स का जो प्राइस है वो 1 रुपये पर यूनिट है. तो अब हमने टेबल में क्या किया है, मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है दोनों की जिससे ड्राइव कर रहा है कंज्यूमर गुड एक्स से और गुड वाई से. तो यूनिट्स है 1 to 5. मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है गुड एक्स से वो है 20, 14, 12, 7 and 5, और जो वाई से मिल रही है वो है हमारी 16, 12, 8, 5 and 3. अब कंडीशंस को देखो, हमने क्या पढ़ा था कि दोनों कंडीशन क्या थी, पहला कि दोनों का क्या है, रेशियो इक्वल होना चाहिए और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्लाइन भी होनी चाहिए. अब इक्वल देखो कब है, थर्ड यूनिट जब एक्स के वो परचेज करता है तो वो 12 यूनिट्स है उसके, 12 मार्जिनल यूटिलिटी गेन कर रहा है. और सेम अगर वो सेकेंड यूनिट ऑफ वाई को परचेज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 12 है. अब एक तो इस पॉइंट पे भी दोनों इक्वल है, एक फिफ्थ पॉइंट पे देखो जब एक्स की वो फिफ्थ यूनिट परचेज कर रहा है तो 5 है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, बट सेम 4 यूनिट पे अगर वो वाई की परचेज कर रहा है तो उधर भी क्या है, 5. बट इस केस में हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा कि जो हमारा MU था वो क्या होना चाहिए था, डिक्लाइन होना चाहिए था. अब वाई के केस में तो 5 से 3 डिक्लाइन हो रहा है, बट एक्स के केस में तो आगे कोई कॉमोडिटी परचेज ही नहीं करी, तो कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा, जब वो थर्ड यूनिट एक्स की परचेज करेगा और 2 यूनिट्स वाई की परचेज करेगा, तब हम कहेंगे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है. क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद क्या हो रहा है, हमारा MU डिक्लाइन भी हो रहा है और दोनों का रेशियो जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल भी है. ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आज हमने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़. आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.